जो बंदा किसी बॉस की बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कल को सप्लायर को भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा एंटरप्रेन्योरशिप में। अक्सर बिजनेसेस या जॉब के अंदर बंदा क्राइसिस के अंदर कोई कैपिटल की वजह से नहीं जाता या आइडिया की वजह से नहीं जाता। सबसे पहली चीज ये है कि एंटरप्रेन्योर बनोगे या जॉब करोगे कहीं पे, इनमें कुछ चीजें डिफरेंट हैं और बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं जिसको हम सब मिस कर जाते हैं और अक्सर बिजनेसेस कैपिटल की वजह से फेल नहीं होते हैं। अक्सर बिजनेसेस या जॉब के अंदर बंदा क्राइसिस के अंदर कोई कैपिटल की वजह से नहीं जाता या आइडिया की वजह से नहीं जाता। ये बड़ी चीजें हैं कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, लेकिन अक्सर फेलियर्स या अक्सर चीजें जो ड्रीम्स पूरे नहीं होते उसके अंदर बहुत सारी चीजें दोनों की कॉमन है। वो ये है कि तुम्हारे अंदर रेजिलियंस कितनी है। जो बंदा किसी बॉस की बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो कल को सप्लायर को भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा एंटरप्रेन्योरशिप में। ये कहना कि भाई आई हैव दैट ईगो ऑफ बीइंग एंटरप्रेन्योर और मैं जॉब नहीं कर सकता, लेकिन वो ईगो जो थी सबसे पहले, जिसको हम बहाने बना रहे होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप या जॉब को सिलेक्ट करने के लिए, वो तो दोनों के अंदर मारनी पड़ेगी। चाहे वो घर के अंदर हो गए तो रिलेशनशिप्स के अंदर मसला आ जाएगा, जॉब के अंदर हो गए तो बॉस और कलीग्स के साथ मसला आ जाएगा, एंटरप्रेन्योर हो गए तो जब पोछे खुद लगाने पड़ेंगे पहले दिन अपने ही ठिए के, अपने ही बिजनेस के, जब प्योन भी तुम ही हो गए और तुम ही डायरेक्टर हो गए और तुम ही ऑडिटर हो गए और तुम ही जो है वो फाइनेंस के और मार्केटिंग के और सेल्स के बंदे हो गए, वहाँ भी तो ईगो आएगी। या फिर हमारा बच्चा वो फैंटेसाइज वर्जन से आता है, अब्बू मुझे 2 करोड़ रुपए दे दे, मुझे ये स्टार्टअप शुरू करना है। और उसके बाद हम करते हैं जी, जगह मेरी लोकेलिटी बड़ी अच्छी हो और उसके बाद जो है मैं बंदे हायर करूं और मैं सूट शूट पहन के जाऊं। सूट शूट नहीं होता भाई उधर, फिर बंदा होता है और पसीना होता है और कुछ नहीं।